लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक सबसे पहले तो डॉक्टर्स को सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं, आपको सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं। मैं को सियासत में आपको घसीटना नहीं चाहता, लेकिन क्या वाकई सिंगापुर वेरिएंट कहना, इंडियन वेरिएंट कहना जायज है? ये बीमारी तो चाइना से खड़ी हुई, वुहान से खड़ी हुई, और आज की जो स्थिति है दुनिया भर में इसके लिए एक ही देश रिस्पॉन्सिबल है और वो चाइना है। इसी पहले तो थैंक्स, आपने अपनी डिबेट में बुलाया, मैं बड़ी पेशेंटली काफी देर से पूरी डिबेट को सुन रहा था। मैं एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल होने के नाते अपनी तथ्यों को मेडिकल उसके ऊपर बेस करके बताऊंगा। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, 2015 में WHO ने मई में 2015 में यह कहा था किसी भी बीमारी का नाम किसी भी देश के नाम से नहीं रखा जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं रखा जाएगा। 2015 की एडवाइजरी है WHO की, मई में आई थी। ये तब आई थी, एक बार न्यू दिल्ली बग बनना शुरू हो गया, वो बनना शुरू हो गया, तो जिसमें हमें भी ऑब्जेक्शन हुई कि ये कैसे आपने कह दिया। तो WHO ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आप किसी भी देश का नाम किसी भी प्रतिरूप या रूप के साथ नहीं जोड़ सकते, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जो इन्फेक्शन कर रहा है उसके साथ नहीं जोड़ सकते। ये तो एक मेडिकल तथ्य है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा अमीश जी, मैं आपकी डिबेट्स अक्सर सुनता हूं और बहुत अच्छी लगती है। इतनी सकारात्मक कुछ पीछे डिबेट्स हुई थी, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी तो दोनों सरकारों ने परस्पर एक दूसरे के साथ करके हमें ऑक्सीजन दी, तो बहुत राहत मिल गई। 3-4-5 दिन 6 दिन जरूर ऑक्सीजन की कमी रही दिल्ली में या देश में, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी। इस तरह की सकारात्मक डिस्कशंस में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। पेशेंट्स को रिलीफ मेरा मेरा पूरा प्रयास था, क्योंकि मैं डॉक्टर मलिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत के आए, महादेव की कृपा है ये। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी बड़ी बड़ी नेसेसिटी, और मैं तो कल मैंने डॉक्टर्स के लिए कविता भी पढ़ी थी अपने कार्यक्रम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर्स जिस तरह से, डॉक्टर नर्सेस, और मुझे लगता है अक्रॉस द पार्टी लाइंस, मेरी नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अक्रॉस द पार्टी लाइंस एक रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, जिस तरह से वो दिन रात लगे हुए हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन स्पष्ट ये है कि अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं तो वो क्या जायज होगी, अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता ने ट्वीट किया इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, क्या ये जायज है? हम अपने देश की बात करें ऐसे। देखिए अमीश जी, वही मैंने आपको बताया कि WHO की एडवाइजरी बहुत अच्छी है और बहुत सही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कौन सा वेरिएंट कहां से आया, वायरस के बारे में यह पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा वेरिएंट कहां से आया, कौन सी कंट्री से आया, क्योंकि वायरस है एक हवा के झोंके से कहां। आपको बताऊंगा पूरे देश में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, अगर सारे वायरस इकट्ठे कर लिया जाए जिनकी मृत्यु हुई है या इन्फेक्शन, ये केवल 1 ग्राम बनता है वायरस, तो इसको किसी भी देश और सिटी के साथ लेबल करना बड़ा मुश्किल है, पहली चीज। पर वुहान वायरस तो सर, डॉक्टर मलिक, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन वुहान वायरस तो मैं बोलूंगा, मुझे लगता है चाइना, क्योंकि चाइना चाइना की वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में आया, और जिस तरह से अब पेपर्स आ रहे हैं जो CNN न्यूज 18 ने भी रिवील करे हैं, वो स्पष्ट रूप से कि जो मीडिया में भी है कि किस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी थी। आज 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 अमीश जी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि उनके पास एविडेंसेस भी है कि ये जो है बायो टेररिज्म का पार्ट था। अभी मैं एक और चैनल पे डिबेट पे था तो उन्होंने ये कहा कि ये चाइना से ही निकला, चाहे लीकेज हुई है जो भी हुआ, और बायो टेररिज्म से हमारे को बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें बच के रहना चाहिए। आप देखिए, जब जब जिस देश में स्थिति सामान्य होने लगती है वहां पे वायरस बढ़ जाता है, ये वायरस बढ़ जाता है। देयर इज अ हेट टुवर्ड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं ग्राउंड पे लोगों में, देयर इज अ हेट टुवर्ड्स चाइना, और हमारे यहाँ के नेता कोई इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा है, कोई सिंगापुर वेरिएंट की बात कर रहा है, इट इज अ चाइनीज वेरिएंट, ये चाइनीज वेरिएंट है, ये पूरा का पूरा वायरस चाइना का बायोलॉजिकल वारफेयर है क्या, जिस तरह के पेपर्स रिवील हो रहे हैं अब, 5 साल पहले की स्टडी ये बता रही है डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये वेरिएंट डेफिनेटली वरी करने वाला है। नेचुरल वेरिएंट्स जो होते हैं, मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल बता दूं, नेचुरल वेरिएंट्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े पेंडेमिक्स नहीं होते हैं, तो हो सकता है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट हो, जो कि चाहे लीकेज हो गई या कैसे भी हो गई, जो भी हो गई, क्योंकि अब कोई देश जाके उनकी जांच तो कर नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। मैं लुकिंग फॉरवर्ड में ये बताना चाहूंगा, देखिए आज भी 4300 लोगों की मृत्यु हुई है, जो रिकॉर्ड हाई आंकड़ा है। 4300 लोग 9/11 वाले डे में भी जो है, जो इतना अनफॉर्चुनेट डे है, इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, जो रोज
मृत्यु हो रही है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय के लिए भी मैं वाकई ही चिंतित हूं। मैं अमित जी आज भी आपको बता के जा रहा हूं, 3 महीने बाद हम डिबेट कर रहे होंगे, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, थर्ड वेव भी आ सकता है। बिल्कुल, हमें लोगों जल्दी से को जल्दी कोशिश करनी चाहिए, मुझे लगता है कि लगाएं जल्दी। मैं भी डॉक्टर रवि, अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बोला कि सोर्स क्या है उसका पता लगाना मुश्किल है, आप अभी भी यूनियन म्यूटेड बोल रहे हैं। ये कागज देखिए आपने, ये फर्जी टूल किट, ये कागज भाजपा जैसी सत्ताधारी अभी भी इंडियन म्यूटेड बोल रही है, ये झूठ कर रही है, ये झूठ नहीं चला रहे ये लोग प्लीज। ओके डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर रवि मलिक क्या जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं इंडियन म्यूटेंट है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस क्विकली? देखिए मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूँ व्यक्ति विशेष को, किसी भी देश को, व्यक्ति विशेष को इस म्यूटेंट के साथ में हमें लिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, WHO की एडवाइजरी भी इस चीज के ऊपर। मुझे देखिए क्या बोला है उन्होंने, देखिए देखिए रोहन जी, चाहे आप म्यूटेंट बोले चाहे वेरिएंट बोले, दोनों का मतलब एक ही है। मेरी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती यही है, इस डिबेट में ना पड़ते हुए, बहुत प्राइम टाइम पे हम बैठे हैं, थोड़ी सकारात्मक अब डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, और सकारात्मक वे से कुछ उन लोगों को श्रद्धांजलि दे देते हैं जितनों की मौत हुई है और आगे मौत होने वाली है, और उसको कैसे बचाएं थोड़ा सा उसके ऊपर अगर बात कर लेंगे तो डिबेट भी सार्थक रहेगी। सरकारें भी यहाँ सीनियर लीडर बैठे हैं, वो फीडबैक देंगे और हमारे लोगों की जान बचेगी। इस वक्त मुझे लगता है कि अब हम सकारात्मक वे से आगे सोचते हैं। ओके रवि मलिक, देखिए ये वायरस चाइना से आया है, चाइना की धरोहर है, पूरी दुनिया कह रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक ने कह दिया यूएसए के कि ये वहां से आया है। अब इस डिबेट को हम मेरे ख्याल से खत्म करते हैं और ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। मैं अगर आपको एज ए प्रोफेशनल बताऊं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बताऊं कि एक तरफ हमारी जनता ने इतना सफर किया इस वायरस के लिए और उसके बाद इस दुष्ट वायरस के साथ हम अपना नाम अटैच करें, मैं बिल्कुल इस चीज में सर आप क्या देशी प्रोफेशनल देशी देशी इस बात